हाय फ्रेंड्स, आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं। तो आज हम बनाने वाले हैं एक बहुत ही एथनिक रेसिपी यूपी से, दैट इज़ लिट्टी। तो ये एक तरह की भरुआ लिट्टी है, हम इसे घाटी बोलते हैं। इसके अंदर फिलिंग होती है और हम बनाने वाले हैं एक बहुत ही फ्रेश ग्रीन चटनी। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लिट्टी प्रिपेयर करेंगे। तो ये मैंने ड्राई इंग्रेडिएंट्स लिए हैं, 4 से 5 छोटे प्याज लिए हैं मैंने, और मैंने अराउंड 100 ग्राम लहसुन लिया है, 10 से 12 हरी मिर्च, 1 इंच मैंने अदरक लिया है, 1 कोटा नींबू और 1 मैंने जो है मिर्च का अचार लिया है। तो ये पूरा भरा हुआ जो मिर्च का अचार होता है ये लिया है मैंने। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप नॉर्मल आम का अचार भी यूज़ कर सकते हैं, जो खट्टापन देता है तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले हम एक कढ़ाई में तेल लेंगे और उसमें हल्का सा नमक डाल देंगे 1 चम्मच के अराउंड, और जो काले चने हैं हमारे पास उसको हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो काले चने से बेसिकली हम सत्तू बनाने वाले हैं। जब ये फ्राई हो जाएगा, डार्क ब्राउन हो जाएगा, तो इसको हम मिक्सर में पीस लेंगे और बिल्कुल पाउडर कर देंगे इसका। ये जो है हमारे फिलिंग का बेस होगा, तो फिर मैं इसको ले लूँगी। और इसमें जो है मिर्च को मैंने बिल्कुल छोटे पीसेस में काट दिया है, अदरक को कद्दूकस कर दिया है, लहसुन को भी बहुत छोटे पीसेस में काट दिया है। ये सारी चीज़ें इसमें ऐड कर दूँगी। उसके बाद मैं अपना अचार जो है वो ऐड कर दूँगी, और उसके बाद मैं प्याज ऐड कर दूँगी जिसको मैंने रफली चॉप कर लिया है। अगर आपको अचार नहीं पसंद आप हल्का सा जो है नींबू ऐड कर सकते हैं, उससे भी खट्टापन आएगा, वो भी काफ़ी है। उसके बाद मैंने थोड़े से इसमें लहसुन के पत्ते ऐड किए हैं, धनिया पत्ता ऐड किया है और नमक ऐड कर दिया है। नमक आपको बहुत ही ध्यान से ऐड करना है, बिकॉज हर जगह थोड़ा थोड़ा नमक ऐड होगा। उसके बाद मैंने आधा नींबू निचोड़ दिया है इसमें। थोड़े से मसाले इसमें डाल लेंगे, तो 1 चम्मच हल्दी डाली है, 1 बड़ा चम्मच मैंने मिक्स मसाला ऐड किया है और 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर ऐड किया है। तो इसके बाद इन सब चीज़ों को हम कर लेंगे अच्छे से मिक्स। तो आपको बहुत ही कड़े हाथों से मिक्स करना है, ताकि ये सब जो है जो भी आपने ऐड किया है हरी सब्जियाँ वो पानी रिलीज़ कर दें। मैंने इसमें आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा तेल ऐड किया है, 1 से 2 चम्मच जो मस्टर्ड ऑयल होता है वो ऐड किया है। उसके बाद मैंने बहुत ही नॉर्मल, जैसे हम आटा गूंथते हैं वैसे मैंने आटा जो है डो प्रिपेयर करके रख लिया है। अब इसकी फिलिंग जो है हम फिल करेंगे। तो आप देख सकते हैं बीच में ऐसे अंगूठे को डालना है और उससे जो है हम एक कटोरी का शेप बना लेंगे आटे से। थोड़ी बड़ी लोई लेनी है तभी बन पाएगी कटोरी की शेप, और बीच में ज़्यादा प्रेस नहीं करना है आपको, साइड्स में प्रेस करना है। तो आप ऐसे फिलिंग भर के और सिर्फ इसके साइड्स जो है उनको प्रेस करेंगे, सेंटर को प्रेस नहीं करना है वरना ये फट जाएगा। तो ऐसे हम एक पोटली का शेप बना लेंगे इसमें, और आप देख सकते हैं हमारी जो लिट्टी है वो बन के रेडी हो गई है। तो सिमिलरली हम दूसरी भी बना लेंगे। आपको थोड़ा सा बड़ा लोई लेना है आटे का, और आप देख सकते हैं अंगूठे को बीच में रख के और साइड से बस प्रेस करना है। अंगूठे को प्रेस नहीं करना है नीचे की तरफ, उसको बस बीच में रखे रहना है और साइड्स को प्रेस करते रहना है। तो जब ये कटोरी के फॉर्म में बन जाए उसके बाद हम इसमें जो है फिलिंग ऐड करेंगे। फिलिंग ऐड करने के बाद आप बस साइड को ऊपर की तरफ प्रेस करते रहेंगे और जो फिलिंग है उसको अंदर की तरफ प्रेस करते रहेंगे। ऊपर से आप बिल्कुल इसको सील कर देंगे, क्योंकि हमें इसे छानना है तो बहुत अच्छे से इसको सील करना होगा। और उसके बाद आपको हाथों के बीच में ऐसे प्रेस कर लेंगे इसको। तो आप देख सकते हैं घाटी बनके रेडी हो गई है। अब जो है छानने से पहले हमें इसे हल्का सेकना होता है। तो मैंने पैन ले लिया है, पैन में मैंने कुछ भी नहीं लगाया है, ना तेल ना कुछ, बस आपको सिंपल पैन को गर्म करना है और उसमें हल्का सा इसे सेक लेना है। तो इसे हमें पकाना नहीं है, बस हल्का सा सेक लेना है, ताकि जब ये फ्राई हो तो ये बढ़िया से फ्राई हो जाए, उसके लिए हम इसके हल्का सा सेक लेते हैं। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल भी पका नहीं है ये, बस ऊपर नीचे से हल्का सिक गया है। अब कढ़ाई में हम तेल लेंगे और इसको हम फ्राई कर लेंगे। तो बिल्कुल डार्क ब्राउन होने तक फ्राई करना है। अगर आपको लग रहा है कि ये जल रहा है तो बिल्कुल मतलब जलाना नहीं है इसको, बट ये फिर भी बहुत डार्क ब्राउन होगा। तो पहले आप गैस का फ्लेम काफ़ी हाई रखिए और उसके बाद लो कर दीजिए, ताकि अच्छे से ये अब्जॉर्ब हो तेल इसके अंदर, और आपको जो है रिफाइंड ऑयल है उसमें फ्राई करना है इसको। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल डार्क ब्राउन फ्राई किया है मैंने इसको। ऐसे ही बाकी भी फ्राई कर लेंगे हम। तो आपको तेल का जो आँच है, जो कढ़ाई की आँच है, उसको ऊपर नीचे करते रहना है, ताकि ये जले भी ना फिर भी अच्छे से पक जाए। अब हम अपनी ग्रीन चटनी प्रिपेयर कर लेते हैं। तो इसके लिए मैंने थोड़े से लहसुन के पत्ते लिए हैं मिक्सर में, 4 से 5 मिर्च ली है, धनिया का पत्ता लिया है 100 ग्राम के अराउंड, थोड़ा सा नमक डाला है 1/2 चम्मच के अराउंड, आधी नींबू, और इसको हम मिक्सर में बस पीस लेंगे अच्छे से, और हमारी चटनी बनके रेडी हो गई।
तो आप देख सकते हैं कितनी इंस्टेंट एंड ईजी रेसिपी है, बहुत ही ज़्यादा यमी रेसिपी है, आप ज़रूर ट्राई करिएगा। और इसको हम चोखे के साथ भी सर्व करते हैं तो आप वो भी ट्राई कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं अंदर कितनी बढ़िया से इसमें फिलिंग होती है, और क्योंकि इस फिलिंग में इतने सारे नो रॉ चीज़ें हैं जैसे कि लहसुन हो गया, प्याज हो गया, मिर्च हो गया, तो बहुत बढ़िया सा फ्लेवर आता है। चटनी बहुत अमेजिंग बनी थी, ज़रूर ट्राई करिएगा। तो आई होप आपको रेसिपी अच्छी लगी, और अगर अच्छी लगे तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपने बनाया, आपने अगर ट्राई किया तो कैसी बनी। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय गाइस, स्टे सेफ़।